हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 फार्माकोग्नोसी का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डाइट्री फाइबर्स। फाइबर्स के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज हम लोगों ने पहले ले चुके हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं, और समझे जा रहा है इसको फाइबर्स को देखें हम लोग कि किस तरीके से ये हमारे काम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आ जाइए। क्या हो गया? ओके, हाँ, तो क्या कह रहा है, डाइट्री फाइबर्स आर द पॉलीसेक्राइड्स, है ना। यानी कि ये क्या है हमारे पास, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं सबको पता है अच्छे से, कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। डेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इस बात को मार्क करेंगे, ये वो चीजें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज हमने एक और पढ़ी थी, क्या थी वो, प्रीबायोटिक्स, याद है। ओके, तो डाइट्री फाइबर्स, प्रीबायोटिक्स के अंदर डाइट्री फाइबर्स भी आते हैं। लेक्चर अगर पढ़ लिया है तो बातें समझ में आ रही होंगी। ये डाइजेस्ट नहीं होते हमारे, तो हम लोग खाते क्यों हैं, इनसे हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आओ देखते हैं। बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी आंत है उसको पचा नहीं सकती है। आइदर सम ऑफ देम कैन बी डाइजेस्टेड इन द कोलोन, कुछ कोलोन में जाकर के डाइजेस्ट हो जाते हैं। कोलोन पता है ना, अब ये मत कहना सर कोलोन नहीं पता। हमारे आंतों के चार हिस्से होते हैं, कोलोन, सिकम, रेक्टम, इस टाइप से, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहला चीज जो मार्क कर लेंगे इसमें, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, क्लियर है। डाइट्री फाइबर, डाइट्री मतलब जो डाइट में लेते हैं हम लोग, खाने में लेते हैं। डाइट्री फाइबर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ प्लांट फूड दैट आर डेफिशिएंट टू डाइजेशन बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको एक काम करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे और इसको और कर लेंगे। डाइट्री फाइबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लांट के पार्ट का वो हिस्सा या प्लांट या फूड का वो हिस्सा दैट आर डेफिशिएंट टू डाइजेशन, जिसको जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। या हम यू समझ लें, प्लांट जो हम खाना खा रहे हैं उसमें वो हिस्सा जिसको हमारा जो इंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग डाइट्री फाइबर कहते हैं। क्या क्या चीजें आ जाती है इसके अंदर, सेलुलोज कहां पाया जाता है, सेल वॉल में भर भर के होता है, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, ये तीन पार्ट इसके मेन है जो कि डाइट्री फाइबर में आते हैं, ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। मेन सोर्स ऑफ डाइट्री फाइबर्स आर होल ग्रेन एंड ब्रैन, ठीक है ना। अगर सोर्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा सोर्स कौन है, होल ग्रेन और ब्रैन है। डाइट्री फाइबर कंजप्शन प्रोवाइड वेरियस हेल्थ बेनिफिट, ओके, मैंने कहा था ना बहुत सारे हमको हेल्थ में फायदे होते हैं, तो क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज, डिजीज को डेवलप होने नहीं देगा, अगर कोई बीमारी बन रही होगी तो उसे बनने नहीं देगा, जैसे कि स्ट्रोक, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, एंड सर्टन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जो हमारे पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं उनको ये पनपने नहीं देते हैं, बनने नहीं देते हैं, कौन, डाइट्री फाइबर्स। एडिशनली, इसके अलावा हायर इंटेक ऑफ डाइट्री फाइबर, अगर हम ज्यादा खाएं डाइट्री फाइबर, इंप्रूव ब्लड ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज होता है ना उसको इंप्रूव करता है ना, ग्लूकोज से लेकर जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेनली हम कह सकते हैं डायबिटीज, वहां पे बहुत ज्यादा फायदा करता है ये हमारा। इंप्रूव करेगा इम्यून फंक्शन, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है, उसके काम जो उसकी कार्य प्रणाली है किसकी, इम्यून सिस्टम की, उसको अच्छा कर देगा। सीरम लिपिड कंसेंट्रेशन, एक तरह से लिपिड फैट जो कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं हम लोग, है ना, कंट्रोल डायबिटीज, लोअर बीपी, बीपी कम करेगा, प्रमोट्स रेगुलरिटी, हेल्प इन वेट लॉस, फूड इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो फूड इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो वहां पर ये क्या करता है, काफी सारा फाइबर्स जो है इसका रोल प्ले करते हैं, कि हम लोग जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से फाइबर्स हमारा क्या क्या बॉडी में काम कर सकते हैं और किस तरह से हमको हेल्प करेंगे। तो हम देख सकते हैं तमाम सारे फंक्शंस हैं किसके, फाइबर्स के। हमारी बॉडी में पचेंगे नहीं, हमारी बॉडी को ताकत नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी में बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये मेन चीज क्या चाहिए हमको, हमारी बॉडी फिट रहे, किसी टाइप की बीमारी ना हो। आओ आगे देखें,
ठीक है, फूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट फॉर्मुलेट्स द थेरेप्यूटिक फूड आइटम लाइक सस्टेन रिलीजिंग ग्लूकोज हाई फाइबर बिस्किट, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है आजकल, बिस्किट वगैरह देख रहे हो जो आ रहे हैं उनमें फाइबर्स वगैरह बहुत ज्यादा रहता है करके, ठीक है, मतलब जो फूड फैक्ट्रीज बना रही है उनमें भी कोशिश कर रही है कि फाइबर की मात्रा ज्यादा रखे, तो इंडस्ट्री वगैरह में इसका ये रोल है। उतना हमारा ये लाइन चाहो तो हटा सकते हो, इतना मतलब कि नहीं है। जनरली कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो फाइबर्स है दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन देयर डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि सॉरी फाइबर्स को नहीं कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन देयर डाइजेस्टिबिलिटी की वो पचने के आधार पर इन द जीआईटी मतलब हमारे पेट में जाके पचने के आधार पर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप है नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, नॉन फाइब्रस पॉलीसेक्राइड्स और सिंपल पॉली कार्बोहाइड्रेट विच अंडर गोज फॉर हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड देन एब्सॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज सुगर स्टार्च एंड सुगर स्टार्च सुगर एंड फ्रक्टन्स। तो हम कह सकते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इसको हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल कह सकते हैं, नॉन फाइब्रस बोल दिया, ठीक है, नॉन फाइब्रस पॉलीसेक्राइड बोल दिया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोल दिया, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पच जाते हैं हमारे आंतों के द्वारा। अनदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, अपोज टू डाइजेस्ट, ये पचेगा नहीं, अपोज करता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नीड बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट होगा ये इन द लार्ज इंटेस्टाइन लाइक लिग्निन सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन एंड बीटा ग्लूकोज, ये उसका एग्जांपल दे दिए। दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, नॉन स्टार्च बोल देते हैं, नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड एनएसपी, ये कहते हैं एनएफसी, और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं ना। स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया है, ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट सेल को प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में क्या है, सेल वॉल वगैरह बन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है ना। तो दो कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स के हम कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के हैं, एक जो डाइजेस्ट हो जाते हैं और एक जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। क्लियर है बात, ये दो पॉइंट अच्छे से समझने हैं और लिखने हैं एग्जाम में। आगे आते हैं, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स, यानी कि अब अगर हम बात करें फाइबर्स को लेकर के, ये वाला पार्ट आ गया हमारा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, यही तो फाइबर हो गया। फाइबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक सॉल्युबल फाइबर होगा और एक इनसॉल्युबल, एक फाइबर जो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा या हमारी बॉडी में जाकर डिजॉल्व हो जाएगा, एक फाइबर जो डिजॉल्व नहीं होगा। दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फिजिकल फंक्शनल प्रॉपर्टी एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, इनके आधार पर हम इसे डिवाइड करते हैं कि फाइबर हमारे पास कैसे हैं। बेसिकली हम सबसे बड़ा देख लेते हैं कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो बात क्लियर कट समझ में आ रही होगी, कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर्स मेनली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल ये रहे, और जो डाइजेस्ट हो जाते हैं वो ये रहे, हम इनकी बात नहीं करेंगे। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमें एनर्जी देते हैं, ये वाले एनर्जी नहीं देते हैं। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ डाइटरी फाइबर, नेचुरल सोर्स की बात करें, डाइटरी फाइबर इज फाउंड इन फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, हमारे खाने में किस किस रूप में मौजूद है, लिग्निन पॉलीसेक्राइड फ्रक्टन्स बी ग्लूकन्स गैलेक्टोमेनन पैक्टिन सेलुलोज गम्स एल्जिनेट हेमिसेलुलोसिस और पाइसिलियम, ठीक है ना। तो इस रूप में अगर मैं कहूं, अच्छा ये सब क्या है, मोटा मोटा देखो तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप हो गए, है ना, तो ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास रूप हो गए हैं, और ये क्या है, नॉन डाइजेस्टिबल है, हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये सब किसी ना किसी तरीके से हमको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। डाइटरी फाइबर की बात आ गई, आगे आते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। अगर नेचुरल सोर्स की बात करूं मैं, ठीक है, व्हाइट फ्लोर आटा कॉर्नफ्लेक्स भुट्टा होल मील जो खाना खाते हैं और ब्रेड, ये नेचुरल सोर्स है जो हमें कुदरती तौर पर मिल रहे हैं। वेजिटेबल्स की बात करूं मैं अगर, तो ब्रोकलाई है ना, हरी वाली गोभी जो आती है, लेट्यूस जो पत्तेदार सब्जियां होगी, बॉइल्ड कैबेज गोभी होगी उबली हुई, बॉइल्ड कॉलीफ्लावर हो गया, कच्चा अनियन हो गया, रॉ पोटैटो हो गया, इनके अंदर हमें फाइबर्स मिलते हैं बहुत सारे। फ्रूट की बात करें
तो एप्पल पील है ना, सेब का छिलका, हम लोग कहते हैं सेब को छिलके के साथ खाओ ज्यादा फायदा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है खूब सारा। लेकिन आजकल क्या होता है, सेब में ये लोग पॉलिश वॉलिश कर देते हैं चमकाने के लिए, तो खाने का मन नहीं करता, इसलिए कहा था सेब खाओ तो धुल के खाओ। बनाना, चेरीज, बेर वगैरह है, पीछे से प्लम्स, पीच एंड प्लम, ने लाल लाल कलर के फल आते हैं, रेजिन्स हो गए, किशमिश वगैरह हो गए, पीनट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये वो फ्रूट्स हैं जिसके अंदर हमको क्या मिलेंगे, फाइबर्स, फाइबर्स मिलेंगे। फिर वही बात, सारे याद ना हो तो जो अच्छे जानते हो, जैसे ब्रोकली जानते हो, कैबेज जानते हो, कॉलीफ्लावर जानते हो, आलू प्याज जानते हो, है ना, भुट्टा जानते हो, व्हाइट फ्लोर जानते हो, है ना, तो जो जो जानते हो उनको याद कर लेंगे, जो जो नहीं जानते हो उनको बाद में छोड़ देंगे याद करने के लिए, जब बार बार रिविजन करोगे तो ऐड करते चलना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके, फिर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी डाइटरी फाइबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम डाइटरी फाइबर को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर अभी अभी देखा हमने, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। तो आओ देखें क्या बोल रहा है ये, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर इज डिफाइंड एज द डाइटरी फाइबर दैट इज एबल टू डिसॉल्व इन द वाटर एंड एक्वस एंजाइम एंड बफर सॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी मिलेगा, एंजाइम एक्वस है ना, एंजाइम प्रोटीन भी होती है, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में रहती है, और बफर सॉल्यूशन जो होता है हमारी बॉडी का, उसमें ये फाइबर्स बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो एचडीएफ, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ठीक है ना, एचडीएफ कंटेन ओलिगोसैक्राइड्स इंक्लूडिंग फ्रक्टन्स, बीटा ग्लिकन्स, गैलेक्टोमन्नन, पेक्टिन्स, अल्जिनेट, गम्स एंड फाइसिलियम। अब ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा, देखो इसमें तो अब कोई और चारा है नहीं, रटना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना, कि ये क्या है, ये बातें लिखनी पड़ेंगी। सोर्सेस ऑफ एचडीएफ, अगर सोर्स की बात करूं, अगे, वीट, आर्टिचोक्स, एस्पारागस, गार्लिक, यकॉन, अनियन, एप्रिकॉट्स, पीचेस, एप्पल्स। अब फिर वही बात बोलूंगा जो तुमको याद हो जाए इजिली, उनको याद करना। मैनी स्टडी रिवील डेट, रिवील मतलब रहस्य खोलना, बहुत सी स्टडी जो रिसर्च हुई है उन्होंने एक बात बताई है, डेट एचडीएफ इज अकाउंटेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज टाइप 2 ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी। ये विस्कस होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में सक्षम है, कौन, एचडीएफ, क्लियर है। मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एचडीएफ एरियाज, एरियाज नहीं है, आर होगा, आर एस है ना, ये अलग अलग कर लेना, आर एस। इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है हमारी बॉडी पर, उसके क्या इफेक्ट होंगे, आर इट डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जो पेट होता है ना, जैसे हमने खाना खाया, कई बार क्या होता है जैसे हम लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, खाना खाया फिर भूख लग गई, फिर भूख लग गई, तो ये क्या होते हैं, ये पेट में जाएंगे तो पेट को फुलनेस, ऐसा लगेगा पेट भरा हुआ है, तो बार बार हमें खाना खाने का एहसास नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर जो डाइटिशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जब कोई बहुत मोटा हो जाता है, उसे पतला करना होता है, तो ज्यादातर इन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इंसान को भूख कम लगे, क्लियर है। एम्प्टी इन डिलेज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, एम्प्टी मतलब खाली, पेट को खाली होने में डिले करता है, लेट करता है। लोअर्स सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करेगा। रेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी डायबिटीज वाली बात आई, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करेगा। इट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ गट कंटेंट, जो हमारे पेट में खाना है उसको विस्कस कर देगा, गाढ़ा कर देगा, जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसे खिसकने में दिक्कत आएगी। एंड फैसिलिटेट कोलोनिक फर्मेंटेशन, कोलोन में जाकर के जो फर्मेंटेशन है ना, चीजों का जो बदलना है उसमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा ये हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी, सबसे ज्यादा इसेंशियल क्वालिटी क्या है सोल्यूबल फाइबर की, इज इट इनहेंस विस्कोसिटी, ये क्या होता है विस्कोसिटी, गाढ़ापन बढ़ा देता है। एंड फर्मेंटेबिलिटी, फर्मेंटेशन की क्षमता को बढ़ा देता है, किसकी, बैक्टीरिया की। विस्कोसिटी इज द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, गाढ़ा हो गया वो आगे आगे नहीं चलेगा, तेज नहीं चलेगा ना, खाना जो हम खा लिए हैं, कुछ लोगों को 3-4 घंटे भूख लगाती है, अब कोई फाइबर ज्यादा खा रहा है तो उसे 6-7 घंटे में भूख लगेगी फिर, है ना, खाना लेट हो खाएगा तो कब क्या हो जाएगा, दिन में 4 बार खाता है फिर 3 ही बार खाएगा, अगर दिन में 5 बार खाता है तो 3 ही बार खाएगा, खाना कम खाएगा तो एनर्जी बॉडी में, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर कम जाएगी, शुगर कम जाएगा तो मोटापा कम करने में हेल्प होती है। रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो का अपोज करता है। एचडीएफ बाइंड्स 20-200 times ऑफ इट्स वेट इन वाटर, लगभग 20-200 गुना पानी अपने साथ जोड़ लेता है, ये फॉर्म्स अ विस्कस एंड थिक सॉल्यूशन, और एक गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बना लेता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओके,
फिर क्या कह रहा है ये, कह रहा है फर्मेंटेबिलिटी डिफाइंस द डाइजेशन ऑफ एचडीएफ बाय द बैक्टीरिया। अब जिस लोगों ने, बच्चों ने प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक पढ़ लिया, उसे बात खटाक से समझ में आ गई होगी। प्रीबायोटिक में डाइट्री फाइबर का एग्जांपल भी दिया था मैंने, बोलो हाँ ओके। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि फर्मेंट बाय बैक्टीरिया, जिन लोगों ने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक पढ़ लिया खटाक से ये लाइन एकदम समझ में आ जाएगी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्हें दिक्कत आएगी, है ना। बैक्टीरिया फर्मेंट करेगा फिर ऑब्वियस ही बात है दिमाग में सारी बातें चल जाएंगी, अच्छा बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहा है तो क्या क्या फायदे हुए थे हमको, वो सब फायदे यहां पे आ जाएंगे। दोज आर बेनिफिशियल, जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, स्टेट द इंटेस्टाइन, ठीक है, बाय बैक्टीरिया जो कि बेनिफिशियल होते हैं और इंटेस्टाइन में रहते हैं। दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल्स एंड फीकल मैटर विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब ये लाइन पूरा पूरा प्रोबायोटिक के बारे में दिमाग में बातें लेके आनी चाहिए अगर आप प्रोबायोटिक पढ़ लिया है तो, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। अदरवाइज सिंपल ध्यान रखना, फर्मेंट मतलब बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में मौजूद है, जो अच्छे बैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान रखो बच्चों, चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जहां पे सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ बातें लिंकअप होती हैं, कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ाए तो। इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर, ऐसे फाइबर जो सॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर चीफली कंसिस्ट ऑफ सेल्युलोज, ये सॉल्युबल नहीं है, सेल्युलोज, सम हेमीसेल्युलोसिस एंड लिग्निन। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से सॉल्युबल है और कौन कौन से सॉल्युबल नहीं है। सोर्सेज ऑफ IDF आर सीरियल्स, ग्रेन्स, ब्रैन, लेग्यूम्स, कुक्ड एंड चिल्ड पास्ता, राइस, पोटैटोस एंड अनराइप बनाना, कच्चा केला, ठीक है। जनरली IDF shortens bowel transit time, ये कर देगा shorten bowel transit time, जो बोवल मतलब हो गया ना हमारे पेट में, जो ट्रांजिट टाइम होता है यानी कि जो पेट से बाहर निकलने का टाइम होता है, खिसकने का टाइम होता है, उसको छोटा कर देगा, ये उल्टा कर रहा है ये, ठीक है ना। इंप्रूव लैक्सेटिव इफेक्ट, लैक्सेटिव क्या होते हैं, जो हमको स्टूल है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो लैटिंग वगैरह करने में आसानी हो जाती है, तो लैक्सेटिव इफेक्ट को इंप्रूव करेगा ड्यू टू इट्स बल्किंग कैपेसिटी, बल्क बढ़ा देता है। कल ही मैंने समझाया था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रेक्टम होता है जब इसके अंदर पूरा भर जाता है तो प्रेशर लगता है और इस प्रेशर की वजह से पॉटिफिरेनस से बाहर आती है, तो बल्क बना दिया इसका। इंक्रीज फीकल बल्क एंड द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल एसिड, बाइल एसिड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरल लोब, बैक्टीरिया के बढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो फाइबर्स होते हैं बैक्टीरिया का खाना होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक स्पीसीज मेंशन भी किया हुआ है, ड्यू टू इट्स फर्मेंटेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ये भी कहानी कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास प्रोबायोटिक को लेकर के सारी बातें यहां मेंशन हो गई हैं, ले देकर उसने घुमाकर बातें फिर फर्मेंटेशन और बैक्टीरिया पे लेके आ गया है। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, तो चीजें बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शंस की बात करें अगर हम लोग, ठीक है ये पॉइंट यहां से हटा देंगे, क्या कह रहा है, अगर हम हायर इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर लेंगे तो क्या क्या होगा, लोअर ऑक्यूरेंस ऑफ रेट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, है ना, हार्ट डिजीज कम हो जाएगी, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स, है ना, अटैक्स वगैरह जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज हैं वो कम हो जाएंगी, मोटापा कम होगा, हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, डायबिटीज में हेल्प मिलेगी, ठीक है, डिसलिपिडीमिया उसमें हेल्प करेगा, लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, इंप्रूव इम्यून फंक्शन। ये सारे डिजीज बच्चों हम लोग कभी ना कभी पहले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो तुरंत जाकर के क्या करा, अच्छा अब ढूंढने मत लग जाना कि सर ये कहाँ पढ़ा था मैं याद ही नहीं आ रहा, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मान लो ओबेसिटी है नहीं पता इसके बारे में तो कहाँ जाएंगे, गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है ना, गूगल बाबा तो सब जानता है ना, तो टाइप कर देना ओबेसिटी, ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है अच्छी बात है, तो ओबेसिटी इन हिंदी लिख देना, या कोई और अदर लैंग्वेज का बच्चा है तो उसको उसमें लिख देना कि ओबेसिटी का मतलब समझा दें, तो वो उसके दो तीन लाइन में डेफिनेशन निकल के आ जाती है। तो बेस्ट तरीका होता है जब मोबाइल से पढ़ ही रहे हो इसको, तो मान लो कोई चीज पॉज किया, खटाक से गूगल खोला, टाइप किया, अच्छा ये है लिख लिया, यहां पर अगर भूल गया, अरे ये तो तुरंत कह रहे यार ये तो पता था भूल गए, यहाँ पे भी लिख लो ओबेसिटी का मतलब क्या है, और ये तो भाई थोड़ा बात तो यहाँ लिख दिया मैंने, एक एक दो दो लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, जब लेंदी करोगे इसको सारी चीज़ें कभी ना कभी पीछे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इधर उधर सारी चीज़ें लिंकअप हैं, कहीं ना कहीं मैंने इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो अब मान लो
पांच नंबर में आ गए तो क्या करोगे, ऐसे लिख के छोड़ दोगे क्या? हाइपरटेंशन, भाई लिख दो दो तीन बातें इसके बारे में, हाइपरटेंशन बीपी का ये इतना इतना होता है, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 80-120 नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा क्यों हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, ये सब छोटी छोटी बातें लिख करके क्या कर सकते हो, लेंदी कर सकते हो। तो लकीर का फकीर नहीं बनना है ना, ठीक है? तो क्या क्या आते हैं नाउ, डेली इनटेक ऑफ फाइबर। अगर हम डेली इनटेक ऑफ फाइबर की बात करें एज वाइज, तो 2 से 5 साल के बच्चे को लगभग 15 ग्राम पर डे चाहिए होता है, 5 से 11 वाले को 20 ग्राम, 11 16 वाले को 25 ग्राम, 17 से ऊपर वाले को 30 ग्राम। ये डाटा अलग अलग बुक में थोड़ा वेरी कर सकता है, तो इससे परेशान ना हो, ठीक है? बात क्लियर? अलग अलग बुक में, अलग अलग रिसर्च में थोड़ा बहुत डाटा ये वेरी कर जाता है, क्लियर है? तो डेली इनटेक ऑफ फाइबर्स भी हो गया। नाउ थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन वही सारे हैं जो न्यूट्रोसिटिकल फंक्शंस थे। यहाँ पे एक अलग सा चार्ट देख लेते हैं इसका हम लोग। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, वेट लॉस में हेल्प कर रहा है ये, कलर चेंज कर लें, इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है? लोअर्स क्या हो गया, जीआई हेल्प टू प्रिवेंट कोलोन कैंसर, ये कलर भी नहीं चमक रहा, दूसरा कलर ले लें, हेल्प टू डायवर्टिकुलाइटिस, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मलाइज बोवल मूवमेंट, है ना, पेट की गड़बड़ियों को ठीक करेगा, इंप्रूव इम्यून फंक्शन। तो वही सारी चीजें हैं, घूम फिर के कुछ दो चार बातें अपनी तरफ से और जोड़ देना, फिर कह रहा हूं मैं, ठीक है ना? जब लगता है कि, अब देखो यहां पर क्या है, जैसे कि मैं हर बारी कहता हूं भाई लकीर का फकीर नहीं बनना है, आई थिंक हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या है, दो चीज अपनी तरफ से जोड़ सकते हो ना, पेट को लेकर तो सारी बीमारियां हैं, पेट की दो चार बीमारियां और जोड़ दो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, अच्छा ये चीज है फाइबर, ये काम करते हैं। पहले तो मोटी थीम फाइबर्स, अच्छा फाइबर्स क्या होता है, अच्छा फाइबर वो चीज होती है जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, अच्छा प्लांट के वो हिस्से होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्या करते हैं ये हमारे हमारे पेट में जाते हैं, पेट के जो बैक्टीरिया थे प्रोबायोटिक वाले, अच्छा उनको उनके लिए खाने की तरह काम करते हैं, अच्छा तो ये सब वो सारे काम करते होंगे। तो एक मोटी मोटी थीम जब दिमाग में सेट हो जाएगी, एक बारी हिंदी में पूरी लाइन टू लाइन याद नहीं हो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर बीमारियां कुछ 15-20 बीमारियां तो बिल्कुल लिख करके याद कर डालो कि ये 15-20 बीमारियां इंसानों के अंदर हैं, कुछ पेट की कुछ हार्ट की, उनको बना बना के लिखते रहो, वही बीमारियां कहीं हर जगह लिखनी होती है, कुछ और नई बीमारियां तो है नहीं, बार बार रिपीट हो रही है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी बीमारियां पड़ी हम लोगों ने, वही बार बार यहां रिपीट हो रही है, तो बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र यहां पर कर सकते हो साथ में, है ना? तो ये नहीं सोचना कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, ऐसा चार्ट बना के छोड़ देंगे, 5 नंबर का है तो दो चार चार बातें लिख देंगे यहां पर, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है? जो बताया वो तो करना ही है, साथ साथ में क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।